हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में क्या दम था। हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में क्या दम था। मेरी कश्ती भी वहीं डूबी जहां पानी कम था। अरे रे रे रे, मुनव्वर भैया के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। अपने ही मुनव्वर के पीठ में खंजर होपेंगे, अपने ही मुन्ना को करेंगे लॉस्ट। आइए इस वीडियो में आपको बताता हूं कि आखिरकार किस तरीके की एक भयंकर साजिश चल रही है मुनव्वर के अगेंस्ट। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार, आपका होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। आप लोग किस बात का इंतजार करते हैं पता नहीं, मैं बार बार बोलता हूं, लेकिन कोई बात नहीं। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहली और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कौन है वो लोग, स्पेशली दो लोग जो कि अपने हैं और अपने ही मुनव्वर को धोखा देंगे। तो सुनिए बात ध्यान से। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, तो मुनव्वर को जो सबसे बड़ा खतरा है, पायल नहीं, शिवम नहीं, अंजलि नहीं, अंजलि तो डरपोक है। मुनव्वर को जो खतरा है दोस्तों, वो सबसे बड़ा खतरा है शायशा से। जी हाँ, शायशा शिंदे वो कंटेंडर है जो कि मुनव्वर की, मतलब कि मैं आपको बता दूं तो वो मुनव्वर की मारती भी है और उसको मलहम भी लगाती है, ऐसी है शायशा। शायशा दिन में रात में मुन्ना 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 करती रहती है और दिन भर मुनव्वर को एकदम बुझ लगा देती है कह सकते हैं। और फिर उसके बाद वो जो है मीठी छुरी बनकर आराम से, शायशा का ये गेम है बाय द वे, अगर आपने नोटिस किया होगा तो, शायशा का ये गेम प्लान है कि वो मुन्ना को इस तरीके से परेशान करे और इस तरीके से मुन्ना को जो है वो डिच करे। इवेंचुअली वो भी जीतने के उद्देश्य से आई है और जो बैड एस होगा वो जीतेगा। कंगना बार बार ये बात बोल रही है और शायशा बैड एस है, ये एक बैड एस क्वालिटी भी है। दूसरा सो सबसे बड़ा खतरा है दोस्तों, वो है केवी भैया से। ये बात तो हम जानते हैं कि केवी को क्यों लेकर आया गया है। केवी भैया को सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया गया है ताकि स्ट्रॉन्ग, मतलब कंगना रनौत, सोचिए कंगना रनौत एक ऐसी शर्त दे देती है कि भाई नहीं, या तो केवी उस टीम में जाएगा या तो मैं जिस प्लेयर को चुनूंगी वो उस टीम में जाएगा। अंजलि डरपोक क्या करती है कि मुन्ना को बोलती है कि नहीं वहां पे तू मत जा, मैं यहाँ पे रखती हूँ तेरे को, केवी भैया को वहां भेज देती हूँ। सो बेसिकली मेकर्स भी यही चाहते हैं और मैं आपको लिख कर देता हूँ कि कल को केवी वर्सेस मुन्ना होगा ही होगा और वो देखना मजेदार रहेगा। तो यस, आपको क्या है कहना जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि मुन्ना इनसे कैसे डील करेगा? वैसे ही इज वेरी स्मार्ट इनफ, लेकिन आप अपनी तरफ से क्या सजेशन पास करना चाहते हैं सो दैट मैं भी अपनी वीडियोज में वो पॉइंट्स उठाऊं। सो कमेंट सेक्शन में जाएं और जरूर बताएं। चलता हूं, अपना ख्याल रखें।